बच्चों, आज उसी पाठ पर जो दो तीन दिन से चर्चा हो रही है, उसी में भ्रमर गीत में हम लोग विचार कर रहे थे। भ्रमर गीत के आगे वाले छंद आप देखें, कल छंद संख्या 9 हुई थी, आज छंद संख्या 10। तो इसमें उद्धव और गोपिकाओं का संवाद बताया गया, उद्धव और गोपिकाओं का संवाद। उद्धव जी कृष्ण के मित्र हैं, कृष्ण ने उद्धव जी को गोपिकाओं के पास व्रत भेजा है संदेश वहां बना करके, उनको जाकर के ज्ञान की बात बता दें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उद्धव जी को अधिक ज्ञान होने के कारण गर्व हो गया था। उस गर्व को दूर करने के लिए कृष्ण ने उद्धव जी को संदेशवाहक बना करके मथुरा से ब्रज के लिए भेजा। उद्धव जी पहुंचे, पहुंचने के बाद गोपिकाओं से तर्क हुआ। उद्धव जी तमाम ज्ञान का, योग का संदेशा देते हैं, लेकिन गोपिकाएं एक भी बात उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं। गोपिकाएं जो तर्क करती हैं, उन तर्कों का उत्तर उद्धव जी के पास नहीं। अब गोपिकाएं छंद के माध्यम से प्रस्तुत कर रही, सूरदास जी की रचना है सूरदागर से भ्रमर गीत शीर्षक देकर के, इन्नीस दिन बरसत नयन हमारे, जिस प्रकार वर्षा ऋतु में मेघ जल वृष्टि करते हैं, उसी प्रकार निशि माने रात, दिन माने दिन, रात दिन हमारे नेत्रों से मेघ के समान अश्रु बहते हैं, रात दिन बहते हैं अश्रु, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर सब जब तक श्याम सिधारे। जब से हमारे प्रियतम श्री कृष्ण जी ब्रज से हम लोगों से दूर चले गए, मथुरा चले गए, तब से हमारे ऊपर मान लीजिए कि वर्षा ऋतु आ गई। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में जल वृष्टि होती रहती है, उसी प्रकार हमारे नेत्रों से रात दिन अश्रु बहते हैं जब से कृष्ण यहाँ से चले। हृदय अंजन न राहत निशिवासर कर कपोल भय कारे। महिलाओं के 16 प्रकार के श्रृंगार होते हैं, जिसमें आंखों में काजल या अंजन लगाना, तो ये भी महिलाओं का श्रृंगार है। तो गोपिकाएं कहती हैं, हम अपनी आंख में जो भी काजल लगाती हैं, चाहे दिन में लगाएं चाहे रात में लगाएं, क्योंकि वर्षा ऋतु हम पर है, अश्रु हमेशा बहते रहते हैं, और अश्रु बहने के कारण आंखों में लगाया गया काजल वो यहां से होकर के अश्रु के माध्यम से बहता है, क्योंकि आंख में जब अश्रु आते हैं तो उनको हम पोंछने का प्रयास करते हैं, तो ये गाल तक यहां तक बहकर के अश्रु आते हैं, काजल भी उसमें साथ में है, आंख में लगा हुआ काजल अश्रु के माध्यम से बहता है, तो उसको अश्रुओं को जब पोंछते हैं तो गाल और आंख भी हमारे काले हो जाते हैं। कंचु पिपट सूखत नहीं कबहू, उर्विज बहत पनारे। दोनों आंखों से अश्रु बहते हैं तो अश्रु की धारा यहाँ से हृदय से होकर के पनारे की भांति अश्रु बहते रहते हैं। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में छत से पानी निकलने के लिए एक पाइप या पनारा लगाया जाता है, उसी तरह हमारे हृदय से बीच से अश्रु की धारा बहती रहती है। कंचुक, कंचुक माने होती है चोली, महिलाओं का नीचे पहनने वाला अंग वस्त्र, वो भी गीला हो गया है और अश्रु पनारे की भांति हृदय से होकर बीच से बहते रहते हैं। आंसू सलिल सबई भई काया, पल न जात निस्तारे। सब पूरा शरीर अश्रु की, अश्रु निकलने के कारण गीला हो गया है, और एक भी क्षण ऐसा नहीं होता जिसमें अपने प्रभु श्री कृष्ण के प्रति हमें क्रोध ना आता। ऋषि माने कहते हैं क्रोध, गुस्सा।
सूरदास तक यही परे के गोकुल काहे बिसारे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हमारे प्रभु आज भी जो है हमें इंतजार है कि वो लौट करके यहाँ ब्रज आएंगे और गोकुल को ब्रज को क्यों भूल गए, ये इस शब्द के माध्यम से बताएं। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। अगला छंद कि उद्धव भली भई ब्रज आए। उद्धव ने उद्धव जी से गोपिकाएं कहती हैं कि बहुत अच्छा हुआ जो आप यहाँ ब्रज पर पधारे हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, कम से कम आप जैसे महान व्यक्ति के यहाँ दर्शन हो रहे हैं। विधि कुलाल की है काचे घट ते तुम आनी पकाए। विधि कहते हैं ब्रह्मा को, कुलाल कहते हैं कुंभकार को, यानी ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने इस कच्चे घड़े का निर्माण किया और आपने आकर के इस शरीर रूपी कच्चे घड़े को आकर के पका दिया, यानी ज्ञान दे दिया। रंग दीनो है कान कान सांवरो अंग अंग चित्र बनाए। इस शरीर में कान्हा के रंग में इस शरीर को रंग दिया और प्रत्येक शरीर के प्रत्येक अंग में कान्हा के यानी कृष्ण के चित्र आपने बना दिए। पाते गरेन नयन नेहते अवधि अटा पर छाए। अब अगर जलवृष्टि भी होती है, क्योंकि जब कोई मिट्टी का घड़ा कुम्हार बनाता है और आवों में रख करके वो पका दिया जाता है, तो चाहे पानी में रखा रहे चाहे यहां भी रखा रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसी प्रकार सुरक्षित रहता। उसी प्रकार अगर हमारे नेत्रों से जलवृष्टि होती है तो शरीर रूपी घड़ा चूंकि पक गया है और उसके ऊपर उनके आने की समय सीमा जो है अट्टालिका के रूप में छाई हुई है। ब्रज करी अवा जोग ईंधन करी, संपूर्ण ब्रज को आपने कुंभकार का जैसे आवा होता है वो बना दिया, योग रूपी ईंधन आपने उसमें डाल दिया और सूरत आन सुलगाए याद रूपी अग्नि के द्वारा आपने जो है उसको प्रज्वलित कर दिया सुलगा दिया। खूब उसास विरह प्रजनन संग ध्यान दरस्य राय। हम लोगों की जो सांसें चलती हैं वियोग के कारण समस्त गोपिकाओं की, तो इसके बाद धीरे धीरे करके ध्यान दरस्य राय जब उसका ध्यान करती हैं तो उसके दर्शन होते हैं। दर्शन पा करके इस प्रकार आवा में रखा हुआ पात्र कुछ समय के बाद वो ठंडा हो जाता है, उसी प्रकार हम भी शीतल हो गई। हरे सपूरन सकल प्रेम जल, इस शरीर रूपी घड़े में हमने कृष्ण के प्रेम के संपूर्ण जल का को भर लिया है और ये शरीर रूपी घड़ा हमारा सुरक्षित है, किसी का इस शरीर को छूने का अधिकार नहीं है, केवल हमारे प्रियतम श्री कृष्ण का ही अधिकार है। राज काज तय गए सूर प्रभु नंदन कर लाए। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाओं ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी हमारे प्रभु श्री कृष्ण किसी सरकारी काम से राज्य के काम से बाहर गए हुए हैं, जब वो आएंगे वापस तभी शरीर रूपी घड़े को स्पर्श करेंगे। अगला छंद देखें, बारहवां छंद, अखियां हर दर्शन की भूखी। ये आंखें अगर भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाए तो इनकी भूख मिट जाएगी। कैसे राहत रूप रस राती ये पतियां सुनी रूखी। आप ये बताइए कि वो किस रूप को देखता है, कौन सा रस उसको पसंद है। तो इस प्रकार की आपकी बातें सुन करके ये हमें जो है अच्छा नहीं लगता है। अवधि गणत एकटक मग जोवत तब इतना नहीं भूखी। जब हम गणना करती हैं कि अब उनके आने का समय हो गया है और एकटक भाव से उस मार्ग को देखती रहती हैं, तब भी इन आंखों को इतना कष्ट हुआ नहीं हुआ, लेकिन आज जब आप यहाँ आए अब यह जोग संदेशों सुनी सुनी
अति अकुलानी दुखी, आपका योग का संदेशा सुन करके हमें अत्यंत व्याकुलता हो रही है और आंखों में हमारे धुंधलापन छा गया है, देखने में हमें तकलीफ होती है। बारक वह मुख आने दिखाओ दुर्पय प्रियत पतुखी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि वो एक बार आकर के अपना मुखमंडल दिखा जाए और जिस प्रकार गायों को चराते समय किसी पत्ते का दोना बना करके गाय का दूध निकाल करके उसको पीते थे, उस प्रकार का मुंह हमको आकर एक बार वो मथुरा से आकर ब्रज में एक बार दिखा जाए तो हमें संतोष हो जाए। अगली लाइन अंतिम है, सूर सिकत हठ नाव चलावत ये सरिता है सुखी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाओं ने उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव जी, आप तो हठ माने जिद करके ऐसी नाव चलाना चाहते हैं, कोई नदी है उस नदी में जल न हो और जल के अभाव में यदि उस नौका का प्रयोग किया जाए तो क्या नौका चल पाएगी। तो ये हमारा जो हृदय है, हृदय रूपी नदी है, वो बिल्कुल सूख गई है और इसमें अगर आप विचार रूपी नौका का, योग रूपी नौका का चलाने का प्रयास करते हैं तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये गोपिकाओं ने तर्क दिया। गोपिकाओं के इसी तर्क का या किसी भी तर्क का उद्धव जी एक भी उत्तर नहीं दे पाए। उद्धव जी एक भी उत्तर उनको नहीं दे पाए, निरुत्तर हो गए। बस यहीं तक। इसके बाद फिर अब बच्चों कल फिर हम आपको अगले पाठ यानी तुलसीदास जी की तरफ ले चलेंगे। उनका सर्वप्रथम जीवन परिचय, जीवन परिचय के बाद उनकी रचनाएं और रचनाओं पर भी प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।